नमस्कार, मैं निर्मला बोल रही हूँ मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा प्रश्न है कि क्या पूजा करना ही भक्ति है? अगर नहीं तो फिर भक्ति का पूरा स्वरूप क्या है? देखो निर्मला, पहले भी हमने बताया है कि भक्ति जो है ना, हमारे सबके अंदर होती है। और जो पूजा पाठ है ये भी भक्ति है, और भगवान का नाम लेना ये भी भक्ति है। लेकिन इसको हम अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वर्णना करते हैं कि कितने तरह की भक्ति है। अगर ऐसे देखा जाए तो अलग अलग वर्णन है, लेकिन मैं अब तुम्हें बताती हूँ जो आसान तरीका है। वो एक है साधन भक्ति, और एक हो गया रागानुगा भक्ति। जैसे कहते हैं, एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। तो जो सकाम भक्ति है, जो साधन भक्ति है, वो उसमें आता है तुम्हारा पूजा पाठ होता है, भगवान को दिया देना, भगवान को श्रृंगार करना, नहलाना, पूजा पाठ, जो भी हम लोग दीप धूप अगरबत्ती और अपना नैवेद्य से पूजा करते हैं, उसको कहते हैं हमारा साधन भक्ति, और उसको तुम सकाम भक्ति भी कह सकते हो। लेकिन जो निष्काम भक्ति है, जो रागानुगा भक्ति है, वो है जैसे भाव से भक्ति, मन से भक्ति। जरूरी नहीं है कि तुम पूजा कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम हाथ जोड़ के भगवान के सामने उनकी श्रृंगार कर रहे हो, फूल पत्ते चढ़ा रहे हो, उसके बाद उनको प्रसाद दे रहे हो, उनके बाद दीप धूप दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, तभी पूजा हो रहा है। नहीं है। अगर भाव से भक्ति है तो तुम भगवान का नाम ले रहे हो, वही भक्ति है। और बिल्कुल शुद्ध मन से इधर उधर के विचार ना करके अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर लेते हैं, और हर टाइम जैसे हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो मन भगवान में ही लगा है। हम अपने हाथ से पैर से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में लगा है। अगर ऐसा है तो वो है भगवान की तरफ निष्काम भक्ति, और रागानुगा भक्ति कहते हैं उसको। तो जो सकाम भक्ति है, वहाँ से इंसान शुरू होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे हम अपने घर में ही सीखे होते हैं कि अच्छा ऐसे जाओ भगवान को प्रणाम करो, ऐसे जाओ भगवान को फूल चढ़ाओ, ये सब हम बचपन में घर में ही सीखे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब भगवान की तरफ आसक्ति होता है, भगवान की तरफ प्रेम बढ़ता है, तो ये रागानुगा भक्ति में पहुँच जाता है। और जब रागानुगा भक्ति बहुत ही उच्च स्तर में पहुँचता है, तब ये प्रेम भक्ति में पहुँचता है। तो असली भक्ति का जो स्वरूप है यही है, और भगवान की तरफ प्रेम आ जाए मन में, तो उससे बड़ी भक्ति और कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा।